योगी के दलित प्रेम पर अखिलेश का वार। इतने बेमन से खिचड़ी खाई जा रही थी, खाना खाया जा रहा। चुनावी खिचड़ी पर कसा तंज। वोट के लिए देखो खिचड़ी खा रहे। यूपी में पिछड़ों का भरोसा खो चुकी बीजेपी अब दलितों को लुभाने के लिए चुनावी खिचड़ी खा रही है। बीजेपी नेता दलितों के घर जाकर खाना खाकर खुद को बहुत महान साबित करने में जुटे हैं। पहले योगी ने गोरखपुर में दलित कार्यकर्ता अमृत लाल भारती के घर जाकर खिचड़ी खाई, तो फिर बाद में गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन भी दिखावा करते नजर आए। लेकिन अब अखिलेश यादव ने योगी की चुनावी खिचड़ी पर तंज कसा है। और अभी मैंने देखा तस्वीरें, कैसे बेमन तस्वीरें थी वो खिचड़ी खा रहे। इतने बेमन से खिचड़ी खाई जा रही थी, खाना खाया जा रहा। उन्हें याद आ रहा होगा कि हमने शैंपू नहीं भिजवाया, साबुन नहीं भिजवाया। साबुन और शैंपू भिजवा देते तो थोड़ा सा मन ठीक होता तो खाते। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? देखो वो कहानी क्या थी, बहेलिया वाली कहानी। कुछ बहेलिया वाली कहानी है जिसमें दाना डाल के पकड़ते हैं। कौन नहीं जानता ये बात? वोट के लिए देखो खिचड़ी खा रहे हैं। इसलिए हर वर्ग के लोग समझ गए हैं कि वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अखिलेश ने योगी को उस खबर की भी याद दिलाई जब कुशीनगर में योगी की दलितों से मुलाकात से पहले ही वहाँ साबुन और शैंपू भिजवाए गए थे। अगर गरीब आज शैंपू साबुन से या उसके पास तेल नहीं है, खाने पीने के सामान नहीं है, कपड़े नहीं है, महंगाई है, तो आज का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मुख्यमंत्री है, इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अगर वो संपन्न होते तो वो अच्छे कपड़ों में होते, साफ सुथरे होते और उनके साथ बैठने में उन्हें भी सम्मान लगता, क्योंकि तो जानते थे कि गरीब है, हो सकता है दो दिन तीन दिन से न नहाया हो, परेशानी में रहा हो, वो जानता नहीं है, इसीलिए साबुन और शैंपू भिजवाए थे। मई 2017 में योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के मैनपुर दीनापट्टी गांव में मुसहर जाति के लोगों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात से पहले ही दलितों को साबुन और शैंपू दिए गए थे। मुसहर जाति के लोगों को कहा गया था कि नहा धोकर आएं। उस समय इस खबर पर खूब बवाल हुआ था। वैसे बवाल तो अब भी हो रहा है। बीजेपी के नेता दलितों के घर खाना खाने तो जा रहे हैं, लेकिन वो खाना उनकी प्लेट में नहीं खा रहे, डिस्पोजेबल पत्तल का इस्तेमाल हो रहा है। इस तस्वीर में देखिए, दलित के लिए स्टील का गिलास है, लेकिन सारे बीजेपी के नेताओं के लिए डिस्पोजेबल गिलास रखे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि ये कैसा दलित प्रेम है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।